ठीक है। अब मान लीजिए इसमें आपका नाम नहीं आता है, अब आदमी बोलेगा मैंने तो नगर निगम का वोट डाला था तो इसमें मेरा नाम क्यों नहीं है, वो लिस्ट अलग होती है, ये लिस्ट अलग होती है। बोलेगा मैंने तो मोदी को दिया था वोट, उन्नीस में इधर क्यों नहीं है, क्योंकि वो लिस्ट अलग होती है, लिस्ट अलग होती है। दावे एवं आपत्ति का बाकायदा एडवर्टीजमेंट आता है, समय होता है, तो चुनाव से 6 महीना पहले वोटर हेल्पलाइन को डाउनलोड कर लीजिए और बार बार हर महीने एक बार चेक करते रहिए, 15 दिन महीने 15 दिन महीने में, जैसे ही आपका नाम उसमें से गायब हो तुरंत चले जाइएगा कि सर ये कैसे गायब हो गया, मैं तो यहाँ खड़ा हूँ। ठीक है, दो चीज़ हो गई। अगर यदि आपका बूथ चेंज हो जाएगा तो भी आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वोटर हेल्पलाइन ऐप इसको डाउनलोड करना है, EPIC यानी वोटर आईडी से आपको सर्च करना है, बूथ और सीरियल नंबर आपके सामने आ जाएगा, यदि आपका बूथ शिफ्ट हो गया तो भी आ जाएगा, यदि कोई व्यक्ति भी उसमें से पूरे परिवार नहीं हुआ है, कोई एक व्यक्ति हुआ वो भी दिख जाएगा। BLO से इसके बाद में आपको BLO मिले, यदि इसमें नाम नहीं है तब क्या करना है, फॉर्म 6 इसी ऐप में मिलेगा, ऑनलाइन मिलेगा। फॉर्म 6 क्या मिलेगा, फॉर्म 6 इसी ऐप के अंदर, उस फॉर्म 6 को भर दीजिएगा, नाम पूछेगा, एज पूछेगा, आधार कार्ड लगा दीजिएगा और घर के किसी भी सदस्य का वोटर आईडी कार्ड लगा दीजिएगा, बहुत ईजी हो जाएगा, खट्टे से आपका काम हो जाएगा। हो सकता है आपका नाम तुरंत जुड़ जाए, हो सकता है अगले बार के लिए जुड़ जाए, है ना, डिपेंड करता है। और जब आप सबमिट बटन दबाए ना इसके बाद, इस फॉर्म 6 का, उससे पहले स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि बाद में वो आपको थैंक यू कर देगा, बाहर कर देगा। पहले स्क्रीनशॉट लेना फिर सबमिट बटन दबाना है, 2-3 पन्ने का होगा ये फॉर्म 6, है ना। और इसके बाद में आप अपने BLO से कॉन्टैक्ट कर लीजिए, जो आपका ब्लॉक लेवल ऑफिसर है उससे कॉन्टैक्ट कर लीजिए, भैया मेरा नाम नहीं था, मैंने फॉर्म 6 भर दिया, क्या मेरा लिस्ट में नाम आ जाएगा, क्या मैं वोट डाल सकता हूँ। ठीक है, ये हर बार करना, हर चुनाव से पहले करना, वो करते हैं पर आप नहीं करते, आपको होश ही नहीं है, पैसे